पहनने के बाद लिटरली वो दिन शगनादा वाली फील आ रही है, बट यार इट लुक्स नाइस यार, वेरी वेरी हैवी एंड ह्यूज, ऐसे भी पहन सकते हैं, काफी सही लगे यार, मेरी ज्वेलरी ना टूट जाए यार। Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you are healthy and happy wherever you are. Today I'll be doing a jewelry haul. इससे पहले मैंने कभी jewelry haul नहीं किया, specifically आज मैं करने वाली हूँ. I'm getting married and जिनको नहीं पता उनको पता चल गया होगा. So क्या होता है ना, trousers से matching के लिए थोड़ी बहुत jewelry चाहिए होती है और daily basis पे तो कोई real gold ऐसे diamonds and all तो पहनता नहीं है, सबको डर रहता है चोरी का. So I think ये वाली jewelry काफ़ी अच्छी रहती है. Amazon की मैं काफ़ी सारी jewelry पहले भी try कर चुकी हूँ, तो मैंने same brand से almost different designs मंगाए हैं इस बार. काफ़ी सारी recent purchase है और काफ़ी सारे दो तीन मंथ्स पहले के भी परचेज है, मैंने कलेक्टिव हॉल में आज एक बनाने वाली हूँ. और सबसे बेस्ट टाइम है बिकॉज अमेजोन पर चल रही है उनकी रिपब्लिक डे की सेल, तो इन सब पर आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा. अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में किसी की शादी है तो ये वीडियो आपके डेफिनेटली हेल्प होने वाली है बिकॉज हम सबको इंडियन वेडिंग में ज्वेलरी पहनना पसंद है. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. उससे पहले जरा वापस आओ और मैं बोलना चाहती हूँ, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार चैनल को, माई ग्रोथ इज लाइक वेरी स्लो. वैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया मेरी चैनल की ग्रोथ स्लो है, बट स्टिल यार इफ यू फाइंड माई कॉन्टेंट रियली हेल्पफुल, कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ hit the subscribe button and like the video agar last tak achhi lagegi to. So now let's go, let's start with the most recent buy. So mujhe kafi time se ek choker lena tha, meri puri jo jewelry collection hai na usme koi bhi choker nahi hai aur aajkal chokers ka fashion hai, punjabi suit and all pehante na to choker kafi acche lagte hain. So mujhe ye zaveri pearls ka dikha, kafi pretty laga, kuch is tarah ki packaging mein aaya. Zaveri pearls ki sari jewelry kafi achhe aise secure packaging mein aati hai, to aap inke andar wapas bhi rakh sakte ho, sahi rehta hai packet ke comparison mein mujhe better lagta hai. Aur main literally abhi tak khol ke nahi dekhi, I think ek hafte pehle ye deliver hui thi, to main aap sabke samne kholne wali hu. सो इसमें आपको मिलती है चोकर ज्वेलरी, अलॉन्ग विद दैट यू गेट इयररिंग्स एज वेल, प्लस इसमें रिंग भी है जो यूजली सेट्स में नहीं आती, लेकिन इस सेट में एक रिंग भी है, तो सेट दिखता है कुछ इस तरह से, काफ़ी प्रिटी इन्होंने पीछे से पिनिंग करी हुई है. सो एक बार मुझे निकालने दो, अदरवाइज नहीं निकलेगा. हाउ टू ओपन दिस पिन, सो दैट इज हाउ यू ओपन इट. इसका सेट भी काफी अच्छा लॉन्ग है व्हिच इज नाइस, काफी लूज करना होता है सेट एकदम ठीक रहता है, नहीं मन करता ज्यादा टाइट टाइट वाली ज्वेलरी पहनने का. माय गॉड, द पैकिंग इज क्वाइट सिक्योर, इन्होंने इसके बीच में पिन डाली हुई है, इसको कैसे निकालूं, निकल जाओ. ओके ठीक निकल गई. ओके सो दिस इज हाउ द चोकर लुक्स लाइक, काफी प्रिटी है, पेस्टल सा कलर है, मिंट मतलब स्काई ब्लू एंड पिंकिश का टोन है, यहाँ पे सारा पर्ल्स का काम है. एक बार जरा पहन के दिखाती हूँ, मैंने इसलिए स्पेसिफिकली आज के वीडियो के लिए ब्लैक टॉप पहना है, सो दैट जो भी ज्वेलरी पहनू आपको क्लियरली दिख पाए. वैसे भी आजकल मैं ब्लैक ज्यादा पहन रही हूँ बिकॉज मैं कुछ टाइम बाद ब्लैक नहीं पहन सकती, वो कहते ना शादी है कुछ टाइम तक आप ब्लैक नहीं पहन पाते, सो या माई मदर स्ट्रिक्टली सेट की नहीं पहनना कुछ टाइम तक, सो मैं अभी सारे अपने ब्लैक टॉप पहन रही हूँ. सो दिस आवर लुक्स लाइक, आई थिंक स्किन पर इतना ज़्यादा आपको पता नहीं चल रहा, बट या इट लुक्स नाइस, काफ़ी प्रिटी लगता है. आपको ऊपर करना है ऊपर कर लो, नीचे थोड़ा सा करना है नीचे भी कर सकते हो. आई थिंक ऐसे भी अच्छा लग रहा है, अगर आप ऐसे भी इसको पहनना चाहते हो नॉट बैड. सर इन तो मैं बाद में पहन के दिखा दूंगी आपको. आई रियली लाइक द रिंग एज वेल, काफ़ी प्यारी पिंकिश कलर की रिंग है. मुझे रिंग्स का स्टॉक इतना है नहीं, बट या लुक्स क्यूट. देखो अगर बहुत पास से देखो, और मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना थोड़ा सा प्लास्टिक की फील देता है अगर बहुत ऐसे पास जाके देखो, बिकॉज इफ़ यू सी इट लाइक दिस कैन यू सी, इसकी हल्की हल्की सी ना एक प्लास्टिक की जैसी फील है, बट आई थिंक फॉर लाइक लाइट ओकेजन इधर उधर डे टाइम में पहनना नॉट बैड, फॉर द प्राइस पॉइंट इट्स गुड. इयर रिंग इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी, आप इसको खाली भी पहनोगे ना तो ये काफ़ी सुंदर लगेगा बिकॉज इट्स लॉन्ग, हल्का सा रेड कलर का बीड है, ये ब्लू कलर का है, पिंकिश का ये टच आ रहा है यहाँ पे, हल्का सा कुंदन पोल की वाला इफेक्ट है. और मेरे पे ये वाली इयर रिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मेरा जो सर्कुलर फेस है ना, राउंड फेस है, उसके ऊपर ऐसे लॉन्ग इयर रिंग्स अच्छे लगते हैं, काइंड इट्स इट काइंड ऑफ कट थ्रू माई फेस. अगर मैं यहीं पर कुछ मोटा पहन लेती हूँ ना तो वो अच्छा ही लगता है, वाइल दीज इयर रिंग्स लुक रियली नाइस. नेक्स्ट ज्वेलरी सेट इज फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड शाइनिंग डीवा फैशन, कुछ इस तरह के ऐसे ब्लैक कलर के बॉक्स में आया. मेरे पास का एक ब्रेसलेट था, आई थिंक मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर जब एक अमेजोन हॉल बनाया था मैंने इसी ब्रांड का एक ब्रेसलेट भी मंगाया था. ये रिसेंट परचेज नहीं है, आई थिंक मैंने काफी पहले लिया था बट मैंने किसी वीडियो में नहीं दिखाया था, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ. तीन शेड थे, एक था रेड कलर, एक व्हाइट कलर भी था, मतलब ये जो नीचे पर्ल्स आ रहे हैं ना उसमें व्हाइट कलर भी था. सो अगर आप एक सिंगल टोन का लेना चाहते हो जो आपके सारे आउटफिट पे जाए तो आप वो व्हाइट भी ले सकते हो, बट मुझे ग्रीन कलर बहुत सुंदर लगा है ना, आई रियली लाइक द वर्क इन दिस वन, मतलब इसका काम मुझे बहुत अच्छा लगा. फॉर द प्राइस पॉइंट ये आई थिंक अंडर 400 रुपीज आता है, इसका काम मुझे बहुत अच्छा लगा. इवन द पर्ल जो नीचे पर्ल्स है ना ये भी काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, मतलब ये प्रॉपर एक अच्छा सुंदर पीस लग रहा है, इसको उठा के ही लग रहा है कि गुड क्वालिटी का, ऐसे लोकल चीप वाली फील नहीं आ रही. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, आई थिंक ब्लैक के ऊपर आपको ज्यादा क्लियर लगेगा. ये वाला जो ग्रीन कलर होता है ना ये सबके साथ जाता है, यू कैन कॉम्प्लीमेंट इट विद योर रेड साड़ी, कोई रेड कलर का लहंगा हो आपका, कोई लाइक बनारसी साड़ी भी होती है ना उसमें भी, क्योंकि आजकल के जितने भी इंडियन कपड़े आते हैं थोड़ा बहुत ग्रीन का थोड़ा बहुत वर्क होता ही है, सो ये डेफिनेटली चला जाता है. इसके इयर रिंग्स थोड़े से छोटे हैं, दे हैव लाइक वेरी टाइनी छोटे छोटे से इयर रिंग्स हैं इसके, इतने इतने से, बट आई थिंक इट लुक्स क्यूट. अगर आपको थोड़ा सा डेलीकेट पीस पहनने का शौक है ना तो ये ज्वेलरी सेट मुझे काफी अच्छा लगा. नेक्स्ट अप आई हैव एन इयर रिंग फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड प्रियसी मॉडल
मॉडर्न ट्रेडिशनल ज्वेलरी कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है, वेरी लग्जूरियस एंड प्रिटी बॉक्स। मतलब अगर किसी को गिफ्ट करना हो ना और आप कुछ स्पेसिफिक ब्रांड का देख रहे हो, बिकॉज ऐसे रैंडम बॉक्सेस दो तो अच्छा नहीं लगता, बट इसका बॉक्स मुझे काफी अच्छा लगा, सो गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। मैंने दिवाली के टाइम आई थिंक शॉर्ट्स बनाई थी या फिर रिसेंटली बनाई थी गेट रेडी विद मी वाली, उसमें मैंने फीचर भी किया था। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक अंदर, प्रॉपर ऐसे कुशनिंग एंड ऑल आपको दी हुई है, एंड दीज आर सो 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 प्रिटी। सो दिस इज इन द कलर पिंक एंड व्हाइट, इसमें यहाँ पे लाइट पिंक का काम है और पर्ल्स जो है व्हाइट कलर के हैं। इसमें दो कलर्स और आते हैं आई थिंक, लेट मी जस्ट चेक। या इसमें एक कलर आता है ब्लू एंड रेड, डार्क ब्लू, बहुत प्यारा ब्लू एंड रेड कलर आता है, और एक और कलर है जो आउट ऑफ स्टॉक है ब्लू एंड व्हाइट, लेकिन ये वाले पिंक एंड व्हाइट भी काफी प्रिटी हैं। अगेन ये वाला जो पिंक कलर है ना, ये सबके साथ जा सकता है, इट लुक्स वेरी नाइस। और ये ऐसे लॉन्ग इयर रिंग्स है, इसमें आपको गल में कुछ पहनने की जरूरत नहीं है, लाइक आई लव दीज। एक तो इसकी लेंथ एकदम परफेक्ट है, ज्यादा ऐसे टच नहीं हो रहे मुझे, वो एक्सट्रीमली लंबे भी इयर रिंग अच्छे नहीं लगते, लेंथ एकदम परफेक्ट है, उसका वेट भी सही है, लाइक दीज आर नॉट वेरी लाइट नॉर दे आर वेरी हैवी। मुझे एक्सट्रीमली हल्के लोकल वाले इयर रिंग भी अच्छे नहीं लगते, इसका वेट एकदम एप्ट है, एंड दे आर वेरी गुड क्वालिटी। मतलब इसको छू के ही लग रहा है कि ये अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं। सो अगर आप कुछ ज्वेलरी में अमेजोन पे एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये प्रियसी ब्रांड आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मैं खुद सर्च करके इसके और पीसेस मंगाने वाली हूँ, बिकॉज फॉर द बॉक्स एंड द ओवरऑल पैकेजिंग आई रियली लाइक देम। नेक्स्ट इयर रिंग्स फ्रॉम माई फेवरेट ब्रांड ज़वेरी पर्ल्स। अगर आप इयर रिंग स्पेसिफिकली मंगाओगे ना ज़वेरी पर्ल्स के, तो वो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आएंगे, ऐसे बॉक्स पैकेजिंग होती है, इट ओपन्स अप लाइक दिस। एंड ये वाली इयर रिंग्स बहुत ज़्यादा भारी है, मतलब ये मुझे सुंदर लग रहे थे लेकिन भारी भी है, सो मुझे समझ नहीं आया, और जब तक मुझे हुआ ना कि रिटर्न करना तब तक आई थिंक इसका टाइम जा चुका था। ऐसे इयर रिंग्स है जो इमेजेस में इतने से लग रहे थे लेकिन आए इतने बड़े हैं। सो अगर आपको भी बड़े बड़े हैवी इयर रिंग्स, लाइक आप प्रॉपर पंजाबी सूट्स पहनते हो ना, उस पर कुछ आपको डालना है तो डेफिनेटली आप पहन सकते हो, बिकॉज लुक एट दिस। ये डेफिनेटली मेरी चॉइस नहीं है, मुझे इतने बड़े इयर रिंग्स पसंद नहीं है, बट या माई मॉम से शादी करके चॉइस चेंज हो जाती है, बिकॉज अब सब कुछ लाउड पसंद होता है। सो देखते हैं मुझे बाद में ये लाउड पसंद आने वाले हैं नहीं, बिकॉज अभी तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। दो दे आर वेरी प्रिटी, लाइक अगर आप देखोगे इस पे काम बहुत सुंदर है, इस पे बहुत अच्छा मीनाकारी का काम है, यहाँ पे मोती का बहुत अच्छा काम है, नीचे वो वही सेम जो मैंने आपको सेट दिखाया था वैसी कलर के मोती यहाँ पे लगे हुए हैं, मल्टी कलर सेट, और यहाँ पर भी डिजाइन है, सी इसके यहाँ पर भी डिजाइन है, तो अगर कोई ध्यान से देखेगा यहाँ पर भी कलर है, इसे आपको ब्लू, स्काई ब्लू, पिंक, मतलब सारे कलर मिल जाएंगे। तो ये तो ऐसी चीज है जो आपके सारे आउटफिट के साथ जाने वाली है। यहाँ पर जो पर्ल है उसमें ग्रीन भी है, सो डेफिनेटली सिंगल बाय प्रोडक्ट है जो आप 10 बार पहन सकते हो, लेकिन ये बहुत हैवी है। सो अगर आपको हैवी इयरिंग्स पसंद है फिर आप डाल सकते हो, तभी लेना। नेक्स्ट इयरिंग्स आर आल्सो फ्रॉम ज़वेरी पर्ल्स। इसका बॉक्स मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, ये मैंने अपने ज्वेलरी वाले ऑर्गेनाइजर में ही डाला हुआ है। मैंने अमेजोन से एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर लिया हुआ है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी मैं नीचे लिंक कर दूंगी। दैट इज लाइक अ सेवियर, अगर आपके पास बहुत सारी ज्वेलरी है ना, मेरे पास अभी स्टूडियो रूम में नहीं है, नीचे है, मैं अगर पिक्चर इंसर्ट कर पाई तो मैं आप इंसर्ट कर दूंगी, उसमें इतनी सारी ज्वेलरी आ जाती है ना, एंड इट्स लाइक द बेस्ट। अगर कभी तैयार होकर जा रहे हो ना तो आपको 10 डब्बे खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक ही पाउच उठाओ उसमें से निकाल लो। तो मैंने उसी के अंदर ये डायरेक्टली डाला हुआ था, उसमें आ जाता है कंपार्टमेंट में। सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स लाइक ड्रॉप, जो डैंगलिंग इयररिंग्स होते हैं ना, जो ऐसे ड्रॉप वाले होते हैं, नीचे से डैंगलर्स होते हैं, चांद वाली भी आप इसको ऐसे बोल सकते हो, वैसे टाइप के हैं। बहुत प्यारा सी ग्रीन कलर है जो अगेन सारे आउटफिट के साथ चला जाएगा। एंड ये वाली जो शेप है ये भी काफी सही रहती है मेरे जैसे फेस शेप के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से छोटे होने चाहिए और फिर नीचे जाके थोड़े से बड़े होने चाहिए, बिकॉज दे कॉम्प्लीमेंट माई फेस शेप। सी आपका अगर सर्कुलर फेस है ना, तो ये वाला जो नीचे का हैवी पोर्शन है ये थोड़ा सा नीचे ही आना चाहिए, अगर आप यहाँ पर कुछ हैवी पहन लोगे ना तो आपका फेस बहुत अजीब लगेगा। सी ये चीज़ मुझे अभी रिसेंटली रियलाइज हुई है। सो ये आपको अपने फेस शेप के हिसाब से भी इयरिंग्स लेने चाहिए। इसकी शेप एकदम परफेक्ट है, इट लुक्स वेरी नाइस। अगेन एक सिंगल पीस है, जो नेक पीस या डालना चाहते हो डाल सकते हो, बट अदरवाइज ये खाली भी बड़ा सुंदर लगेगा। आजकल वैसे भी खाली इयरिंग्स पहनने का ही शौक है। इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड द वेट इज ऑल्सो गुड, मतलब ये वो एक्सट्रीमली हैवी वाले इयरिंग्स नहीं है। बहुत प्यारा नीचे पर्ल्स पर्ल्स वाला काम दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे चांद बाली वाला इफेक्ट है, यहाँ पर भी ऐसे छोटा सा पर्ल्स का काम दिया हुआ है। सो अगर आपको कुछ मोती की माला पहननी है तो वो आप इसके गले में पहन सकते हो, बट अदरवाइज खाली भी ये बड़े सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट अब इज समथिंग जो मुझे बहुत टाइम से लेना था और ये डेफिनेटली मैं अपने कोई वेडिंग फंक्शन में पहनने वाली हूँ, बिकॉज मेरा बड़ा मन है ये पहनने का। सो दिस इज अ शेष पट्टी। आजकल ये शेष पट्टी फुल पट्टी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, लोग वैसे भी हल्का फुल्का इंडो वेस्टर्न कुछ लुक करते हैं, साड़ी लहंगा आप पहनते हो, आप यंग हो, आप ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं डालना चाहते, आप खाली यहाँ पर भी वो शेष पट्टी लगा लोगे ना तो बहुत सुंदर लगता है।
सो ये मैंने मंगवाई है जवेरी पर्ल से, मुझे जवेरी पर्ल की क्वालिटी अच्छी लगती है। वैसे अमेजोन पर काफ़ी सारी ब्रांड्स की मिल रही थी, आप सर्च करो शेष पट्टी फूल पट्टी, आपको बहुत ब्रांड्स की मिल जाएंगी, बट आई चोज जवेरी पर्ल्स। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, काफ़ी प्यारा सा ऐसा इसमें फूल फूल वाला पूरा कॉम्बिनेशन जा रहा है, एंड में आपको यहाँ पे ऐसे चेन्स मिलती हैं। सो दोनों साइड आपको ना ऐसे लॉक मिलते हैं, ये ऐसे वाले लॉक मिलते हैं जिसको आप जो जूड़ा पिन होती है ना उसमें स्टक करके फिर लगा सकते हो। सो आपकी मर्जी, आप इसको कैसे स्टाइल करना चाहते हो, आप चाहो तो अपने जूड़े पर भी लगा सकते हो, लाइक आपने कुछ बड़ा सा बन बनाया आप उसके चारों तरफ भी इसको ऐसे रैप करके लगा सकते हो लाइक दिस। आई एम रियली सॉरी मैं समझाने में थोड़ी बेकार हूँ, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट। आप बन में भी लगा सकते हो, अदरवाइज जो इसका एक्चुअल यूज होता है वो यहाँ से होता है, एकदम इसको आप यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो, इट लुक्स वेरी प्रिटी। यहाँ से आप ऐसे बाल ट्विस्ट कर लो, आजकल मैं हेयर स्टाइल की क्लासेस भी ले रही हूँ तो मुझे ऐसे आइडियाज आते रहते हैं, आप यहाँ पर ऐसे बाल हल्के हल्के ट्विस्ट कर लो, सो इट लुक्स वेरी नाइस, बड़ी गर्ली भी लगती है और एक अच्छी एक्सेसरी भी हो जाती है। सो अगर आपको बालों में भी कुछ एक्सेसराइज करने का मन है आप ये डेफिनेटली ले सकते हो, वेरी नाइस। और ये नीचे पीछे आप गुथ पर भी लगा सकते हो, या मुझे अभी जस्ट आइडिया आया, अगर आप पीछे गुथ बनाने वाले हो लाइक अगर आपकी मेरी लेंथ है तो इतनी आपकी गुथ बनेगी, तो आई थिंक उस लेंथ के लिए भी एकदम परफेक्ट, आप इसको अपनी गुथ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर आप इनविजिबल पिन से इसको लॉक कर सकते हो। सो या आइडियाज बहुत सारे हैं, आप इसको मल्टीपल वेज में टीम अप कर सकते हो, इट लुक्स वेरी नाइस, एकदम दिन शगनादा वाली फील आ गई इसको लगा के, बट या इट लुक्स प्रिटी। और सिंस हम ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, एक्सेसराइजिंग की बात कर रहे हैं, सो बालों को भी एक्सेसराइज करने की बात कर लेते हैं। इससे पहले तो मैंने आपको शेषपट्टी दिखाई, आई हैव समथिंग फॉर जूड़ा एज वेल, जब इंडियन कपड़े पहनो कुछ ना कुछ हेयर स्टाइल बनाओ तो हल्का सा बालों को भी एक्सेसराइज करना चाहिए। तो मैंने ये पिंस मंगाई थी अमेजोन से, और रिसेंटली जब मैं अभी सदर गई ना, वो ये लिटरली वहाँ पे 50-50 रुपीज़ की मिल रही थी, बड़ा दुख हुआ, बट ठीक है अमेजोन पे ये 250 की मिल रही है। सो अगर आप सदर नहीं जा सकते, आपके घर के पास कोई नियर बाय मार्केट नहीं है, तो डेफिनेटली 250 इज़ नॉट अ बैड डील, बिकॉज अगर आप ट्रैवल करके जाओगे जो भी पैसे लगाओगे उतना ही पड़ जाता है। सो अगर आपको अभी इमरजेंसी के लिए चाहिए या फिर क्विकर चाहिए, घर बैठे बैठे चाहिए, तो अमेजोन इज द बेस्ट डील। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी, सो ये पूरा ऐसे बॉक्स में आई है मेरे पास, ऐसे प्रॉपर बॉक्स में आई है। सो दिस इज कॉल्ड जूड़ा पिन बाय द वे, मैं आपको दो तीन पिन दिखाती हूँ। ये गोल्डन कलर की हैं, लेकिन इसमें जो ऊपर स्टड्स लगे हुए हैं वो है सिल्वर कलर के। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, यहाँ पे सिल्वर कलर के बहुत प्यारे ऐसे स्टड्स लगे हैं, बीच में पर्ल है, आई होप आपको दिख रहा होगा। सो ये कुछ इस तरह से होती है, आप कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ अपने जूड़े के अंदर इसको ऐसे इंसर्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर भी आप जैसे वाटरफॉल या कुछ भी ब्रेडिंग करते हो ना, तो आप ऐसे इंसर्ट भी इसको यहाँ पर कर सकते हो, इट लुक्स वेरी प्रिटी। दो ये थोड़ी सी बड़ी है, इसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ के हेयर स्टाइल के लिए थोड़ी बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे आपको छुछड़ी लगानी होती है। आई थिंक यहाँ पर जो हम लगाते हैं ना वो इनविजिबल पिन लगाते हैं, इनविजिबल पिन आती है, हम उसमें मोती डालते हैं और फिर यहाँ पर लगाते हैं। ये पीछे के लिए अच्छे लाइक अगर आप जूड़ा बनाते हो तो उसमें लगाने के लिए काफ़ी अच्छे, बिकॉज काफ़ी बड़ी है। नेक्स्ट अप वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल अमेरिकन डायमंड काइंड ऑफ चोकर सेट। अगर आपने मेरी 2 या 3 महीने पहले वाली एक रील देखी होगी, मैंने उसमें गेट रेडी विद मी काइंड ऑफ डाला था, मैंने अपने कजन की शादी में ये पहना था, मैंने लहंगा लिया था लाजपत नगर से, मुझे समझ नहीं आ रहा था पिंक टोन में कौन सी ज्वेलरी पहनूं, मुझे अमेजोन पर दिख गई, डील पर भी थी, सो मैंने ऑर्डर कर दिया, एंड इट इज़ ऑफ रियली गुड क्वालिटी, बहुत प्यारा क्वालिटी का इसमें AD लगा हुआ है, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी आते हैं, आप कोई भी अपना कलर चूज कर सकते हो, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स लाइक अ वेरी प्रिटी। सी इसके साथ भी कितना सुंदर लग रहा है, एकदम ब्लैक के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, आप कोई भी अपने प्लेन टॉप या किसी चीज़ के साथ भी पहन सकते हो, अच्छे लगते हैं, एंड दिस इज लाइक अ वेरी क्लासी पीस, ये मतलब हैवी नहीं लगता, ओवर नहीं लगता। मैंने ये पिंक कलर में लिया, बाय द वे आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, इसमें एक पिंक का टिंट है, और इसके बाद आपको मिलते हैं ये दो इयरिंग्स बोलने वाली थी मैं, इसके बाद आपको मिलते हैं ये वाले इयरिंग्स जो काफ़ी सुंदर हैं, दीज आर लाइक वेरी पर्ल ड्रॉप, मतलब डैंगलिंग सॉर्ट ऑफ इयरिंग्स हैं जो एकदम परफेक्ट लगते हैं, वेरी वेरी डिसेंट एंड क्लासी, और इसकी भी शाइन काफ़ी अच्छी है, मतलब AD के हिसाब से मुझे इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। और इस पर हमेशा डील चलती रहती है, लाइक अभी रिपब्लिक डे की सेल चल रही है तो इस पर अभी भी डील चल रही है, 1079 का मिल रहा है। सो दे हैव मिंट कलर इसमें, देन दे हैव रोज गोल्ड भी है इसमें, खाली आप व्हाइट में रोज गोल्ड भी ले सकते हो, फिर मेरे वाला पिंक है, ये है पिंक रोडियम कलर है, दे हैव अ डार्कर पिंक एज वेल, देन दे हैव अ वाइट एज वेल, तो अगर आप प्लेन व्हाइट भी लेना चाहते हो आप वो भी ले सकते हो। सो या इट्स प्रिटी, आई थिंक मुझे बड़ा अच्छा लगा, अगर आपको AD के सेट पहनने अच्छे लगते हैं, हल्का सा सिल्वर टच देते हैं, सो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हो। दैट इज इट फॉर माय क्विक अमेज़न ज्वेलरी हॉल, इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लस आपको एक स्टोर लिंक भी मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे आपको ये सारे पीसेज एक ही जगह पर अवेलेबल होंगे विद अपडेटेड प्राइजेस।
प्राइजेस बिकॉज अमेजोन के प्राइस चेंज होते रहते हैं. इसके अलावा मैं अपनी अमेजोन की प्लेलिस्ट यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड वॉच ऑल माय अमेजोन हॉल्स. मैं थोड़ी बहुत ज्वेलरीज अपनी रैंडम अमेजोन हॉल में पहले फीचर करती थी तो वो भी आप देख सकते हो. मैंने आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर बनाया था दिवाली के टाइम, उसमें मैंने काफी सारे ज़वेरी पर्ल्स के पीसेस शोकेस किए थे, तो अगर आपने नहीं देखा वो भी जाकर देख सकते हो, मैं लिंक कर दूंगी. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. रियली सॉरी फॉर द कंस्ट्रक्शन नॉइज, आई एम मैनेजिंग सम हाउ बिकॉज मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक चल रहा है, सो मुझे जब टाइम मिलता है मैं फटाफट शूट कर लेती हूँ आपके लिए. सो मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा अपडेटेड रहूँ अपने चैनल पर भी. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मेरे इंस्टाग्राम फॉर मोर. इंस्टाग्राम पर मैं काफ़ी सारे रिव्यूज, शॉर्ट रिव्यूज, क्विक रिव्यूज, रील्स पर, शॉर्ट्स पर करती रहती हूँ. सो मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब जरा चेक करते रहा करो. सो दैट इज योर डेज वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.